वाली संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनके हड़ताल में चले जाने से अब जंगलों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के मैदानी कर्मचारी जिसमें वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल। गरियाबंद वनांचल जिला है जहाँ हर प्रजाति के पेड़ पौधे बहुआयात मात्रा में मौजूद है जिस पर तस्करों की निगाहें बनी रहती है। वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से जंगलों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वन कर्मचारियों ने बताया कि हमारी 12 सूत्री मांगे है जैसे कि संघ द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जाना, वन रक्षक के वेतनमान 2750 3050 का विभागीय भर्ती नियम में 2003 से प्रावधान किए जाए, इसके अलावा वन चौकीदारों को वन रक्षक पद पर पदोन्नत किया जाए सहित अन्य मांगे भी शामिल है। इन्हीं सभी मांगों को पूरा किए जाने के लिए वन कर्मचारियों ने हड़ताल की है। 21/3/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम वहां जाके विधानसभा का घेराव करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री बंगला घेराव करेंगे और रैली करेंगे। हमारा मुख्य मांग है 27/50/30/50, उसके चलते हमारे कर्मचारियों के ऊपर वसूली हो रहा है। दूसरा मांग है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण और वेतनमान जो अन्य स्टेट की अपेक्षा यहाँ बहुत कम दिया जा रहा है, ये हमारा मुख्य मांग है। और तीसरा मांग है जो 97 वन चौकीदार जो वन रक्षक की पात्रता रखते हैं उनको वन रक्षक बनाया जाए, पदोन्नति दिया जाए, ये हमारा मांग है। ये वन रक्षक हड़ताल में चले गए, अब जंगल का सुरक्षा शासन प्रशासन के हमारा नहीं है, हमारा मांगों का जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे।